हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ज्ञान बी 71 में। आज हमारी ये साइकोलॉजी की क्लास रहेगी थर्ड। पहले वाली दो क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और एक बार फिर से बता रही हूँ कि ये वाली हमने सीरीज स्टार्ट करी हुई है HPTET प्रीवियस ईयर्स के पेपरों में आए साइकोलॉजी पार्ट के ऊपर। ये पेपर जो हैं अलग अलग स्ट्रीम से रहेंगे। और वीडियो में कमेंट करके ये भी जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है और इस वीडियो को हम कंटिन्यू, इस सीरीज को हम कंटिन्यू करें या नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज फेमस साइकोलिंग्विस्टिक। करेक्ट आंसर रहेगा 11 के लिए। थोड़ा टाइम देती हूँ मैं, पहले खुद भी सोचा करो कि इसके लिए सही आंसर क्या रहेगा। ठीक है, इससे ऐसा होता है कि जो जो टॉपिक आपने पढ़े होते हैं उनसे आपको पूरा पता लग जाता है कि आपका टॉपिक क्लियर हुआ है या नहीं। तो पहले आप खुद भी सोचा करो कि इसके लिए जो आंसर होगा वो क्या होगा। करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए डी, नोम चोमास्की। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, अकॉर्डिंग टू दी J.B. वाटसन साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ। 12 के लिए जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सी, बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 13, हु डिफाइन साइकोलॉजी एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द रिलेशन टू इट इज एनवायरमेंट। करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए सी, वुड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 14, हु डिफाइन साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ इमीडिएट एक्सपीरियंस विथ कॉन्शियसनेस बीइंग द मेन सब्जेक्ट मैटर। करेक्ट आंसर रहेगा 14 के लिए ए, ई.बी. टिचनर। क्वेश्चन नंबर 50, विच साइकोलॉजिस्ट कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। करेक्ट आंसर रहेगा हमारे पास डी, अल्फ्रेड बिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 16, एबिंगोस हैड डन दी पायनियरिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन। सोचिए क्या होगा इसके लिए सही आंसर, वो रहेगा सी, मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 17, हु इज द फादर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी। सही आंसर रहेगा इसके लिए डी, अल्फ्रेड एडलर। क्वेश्चन नंबर 18, लॉ ऑफ इफेक्ट वॉज क्वाइंड बाय। तो ये तो आप सभी को ही पता होगा, इसके लिए सही आंसर रहेगा हमारे पास थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 9, आर्केटाइप इज द टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड विद। तो ये रहेगा इसके लिए करेक्ट आंसर ए, यंग। क्वेश्चन नंबर 20, हु इज द वैल्यूएबल कंट्रीब्यूटर इन इनसाइटफुल लर्निंग। वो रहेगा कोहलर। क्वेश्चन नंबर 21, दी कॉन्सेप्ट्स लाइक इंट्रोस्पेक्शन एंड कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस आर एसोसिएटेड विद। सही आंसर सी, स्ट्रक्चरलिज्म। क्वेश्चन नंबर 22, फॉर द फर्स्ट टाइम द वर्ड साइकोलॉजी इज इंट्रोड्यूस्ड बाय। करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए ए, रुडोल्फ गोकल। क्वेश्चन नंबर 23, थॉट प्रोसेस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ डैश पर्सपेक्टिव। सही आंसर डी, कॉग्निटिव। क्वेश्चन नंबर 24,
द मॉडर्न साइकोलिंग्विस्टिक थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय, तो वो रहेगा चमास्की। करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 25, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज प्रपोज्ड बाय, करेक्ट आंसर रहेगा 25 के लिए बी, अब्राहम मैस्लो। क्वेश्चन नंबर 26, अकॉर्डिंग टू डार्विन द वेरिएशन इन द बिहेवियर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज ड्यू टू, करेक्ट आंसर रहेगा सी, इनहेरिटेंस। करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 27, चिल्ड्रन ऑफन लर्न द हैबिट ऑफ टेलिंग लाइज व्हेन द डिसिप्लिन इज अथॉरिटेटिव, करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 28, इट इज द एक्सटेंट टू विच ए टेस्ट मेजर इट प्रपोज्ड टू मेजर इज, इट इज द एक्सटेंट टू विच ए टेस्ट मेजर इट इज प्रपोज्ड टू मेजर इज, तो वो रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा ए, वैलिडिटी। क्वेश्चन नंबर 29, डेल टेस्ट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल विद ऑल हिज पोटेंशियल, तो रहेगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का ये 30, डैश डैश मे बी डिफाइन एज ए टेंडेंसी टू चूज वन एक्टिविटी इन प्रेफरेंस टू अनदर, तो वो रहेगा हमारे पास इंटरेस्ट, करेक्ट आंसर बी। तो ये हमारी एक बहुत लंबी सीरीज रहेगी क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा पेपर हैं, मेडिकल के हैं 6-7 पेपर, नॉन मेडिकल के हैं JBT के, उसके बाद आर्ट्स के हैं, शास्त्री के हैं, तो बहुत से पेपर हैं मेरे पास, तो मैं सारे के सारे ऐसे ही यहाँ पे करवाऊँगी आपको। जब ये ख़त्म हो जाएंगे तब फिर टॉपिक्स वाई भी हम चलेंगे, क्योंकि टॉपिक के बारे में भी आपको नॉलेज होना ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी आप उसके बीच से इन क्वेश्चन को फिर निकाल सकते हैं। जो जो आपने खुद कर लिए होंगे वो अच्छा है, बाद में मैं भी अपनी तरफ से करवाने की पूरी कोशिश करूंगी, पहले पूरे पेपर हम कर लेते हैं। हाँ, अगर आपको इन पेपर की PDF चाहिए होगी तब भी बताना, आपको ये PDF मिल जाएगी, ठीक है। पूरे जितने भी पेपर हमारे पास हैं उन सभी की PDF आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो जो हमारे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने साइको जो है वो हिंदी में पढ़ी होती है, जैसे आर्ट्स वाले, तो उन्होंने, मैं बोलती तो हूँ ही, साथ में इस साइड आपने देख लेना है, ठीक है। फिर डबल डबल बार बोल के फ़ायदा नहीं होता है, तो आपको पता तो लग जाता है साथ साथ में कि इसका आंसर ये है, तो आपने इस वाली हिंदी वाली साइड से देख लेना है जिसको, क्योंकि अपना अपना पढ़ने का तरीका होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हिंदी या इंग्लिश में, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको, जिसने हिंदी में पढ़ा होता है उसको फिर हिंदी में ही समझना अच्छा रहता है, और जिसने इंग्लिश में पढ़ा हो उसको इंग्लिश में ही पढ़ना अच्छा लगता है। आप GK की बात कर लो तो GK को जो है मैक्सिमम स्टूडेंट जो हिंदी में पढ़ते हैं तो उनको वो हिंदी में ही पढ़ने अच्छी लगती है उसके क्वेश्चन, तो वही बात इसमें है। तो जैसे आपको कम्फर्टेबल लगे, जैसे आपको समझ आए, आपने उस प्रकार से कर लेना है। और ज़रूर कमेंट करके बताना कि इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करें या नहीं करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और एक बात और, जो हमारे पास नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट होंगे उनको मैथ्स की, जो हमने अपने इसी चैनल पे मैथ्स की वीडियोस डाली हुई हैं टैट के लिए, फिजिक्स की वीडियो डाली हुई हैं, केमिस्ट्री की वीडियो डाली हुई हैं, तो आपको सारी की सारी PDF जो है उनकी भी यहाँ से मिल जाएगी। और टैट की जब नोटिफिकेशन आ जाती है उसके बाद मैं फिर से अगली क्लासेस भी डालना स्टार्ट कर दूंगी, तो आपने जो है अब अपनी तैयारी स्टार्ट भी कर देनी है, क्योंकि इस टाइम तक नोटिफिकेशन आ जाती थी, अगर नहीं आई है तभी आपको पता है कि आपका जुलाई में तो वैसे नहीं होता, जून में हो लेता है पेपर, फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो जुलाई तक वो शिफ्ट हो जाता है, तो जुलाई तक तो आपका पेपर हो ही जाएगा, तो आपने अपनी तैयारी जो है वो अच्छे से कर लेनी है। धन्यवाद।